अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद आकिब और आप देख रहे हैं गुरु पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घर होंगे, क्योंकि आजकल कोरोना वायरस की जो वबा फैली हुई है उससे बचने के लिए, एक दूसरे को बचाने के लिए जो है अपने अपने घरों में रहना ज़रूरी है। तो आप भी, उम्मीद है कि आप सब अपने अपने घर होंगे। वीडियो की तरफ चलते हैं। आपको पता है कि हमने एक न्यू जो है जिस चीज़ के बारे में वीडियो बना रहे हैं, एसईओ के बारे में। एसईओ, वैसे मैं एसईओ का इतना बड़ा एक्सपर्ट तो नहीं, ना मुझे इतना ज़्यादा पता है एसईओ का, मगर मैं जो भी पता है इंशाल्लाह मैं आपको तमाम चीज़ें बताऊंगा आहिस्ता आहिस्ता। जो है पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कोरा प्लेटफॉर्म के बारे में, उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे आप कोरा प्लेटफॉर्म से अपनी वेबसाइट के लिए जो है कैसे हाई क्वालिटी बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं, और कैसे वहाँ से जो है आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक ले सकते हैं। और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ से लोग दूसरे भी ले रहे हैं, और आप यहाँ से आप कैसे ट्रैफिक ले सकते हैं और बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं, और कैसे आप जो है वेबसाइट के अलावा अपने यूट्यूब चैनल पर भी, जो यूट्यूब चैनल के लिए भी कैसे आप ट्रैफिक ले सकते हैं यहाँ से। तो आप इस वीडियो को, आपने अब तक नहीं देखा तो इस वीडियो को भी देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम न्यू प्लेटफॉर्म के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है पिंटरेस्ट। अगर आपको पिंटरेस्ट का पता है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, अगर नहीं पता तो आप इस वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा, क्योंकि इसमें आप तमाम चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कैसे आपने पिंटरेस्ट का यूज़ करना है, कैसे ट्रैफिक यहाँ से लेनी है आपने। अभी तक हमारे चैनल आपने गुरु पाकिस्तानी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल के आइकन को प्रेस करके आल पर क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। पिंटरेस्ट मैं जो है अकाउंट पहले ही बनाया हुआ है, मगर आपको बताने के लिए यहाँ टैब ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पर जो है मैं पिंटरेस्ट जो है ओपन कर लेता हूँ। आप सिंपल गूगल पर जाकर भी लिखेंगे पिंटरेस्ट, आपने यहाँ पर पिंटरेस्ट लिखना है। पिंटरेस्ट जब आप लिखेंगे पिंटरेस्ट तो आपके सामने एक पहली वेबसाइट आ जाएगी, www.pinterest.com। आपने इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। यहाँ से मैं इसे डिसमिस कर देता हूँ। पिंटरेस्ट को ओपन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर साइन अप और लॉगिन का ऑप्शन आएगा, आपने यहाँ पर जो है सिंपली साइन अप कर लेना है। अगर आपका यहाँ पर गूगल अकाउंट ओपन है तो आप जो है इसे डायरेक्ट गूगल अकाउंट से भी साइन अप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऊपर एक ऑप्शन दिखाई देगा जहाँ पर लिखा होगा क्या है साइन अप विद गूगल अकाउंट, तो आप यहाँ पर भी क्लिक करके कर सकते हैं फेसबुक या गूगल से। तो मैंने तो अपना पहला अकाउंट गूगल से किया हुआ, आप जैसे मैं कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो है अपना ईमेल देकर और पासवर्ड देकर भी जो है यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना कोई भी यहाँ पर एक ईमेल लिख लेता हूँ, और यहाँ पर मैं कुछ भी पासवर्ड लिख लेता हूँ, और यहाँ पर एज मैं लिख लेता हूँ अपनी। एज लिखने के बाद आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। वैसे ये मैंने जो ईमेल दिया है ये मेरा खुद का ईमेल नहीं है, तो आप यहाँ पर पंगे ना लीजिएगा इसलिए। तो यहाँ पर मैंने कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इन्होंने कि इनवैलिड ईमेल, तो कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक न्यू ऑप्शन आएगा। यहाँ पर लिखा होगा जो है आप यहाँ पर अपना नाम चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है। ये यहाँ पर एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके आप जो भी नाम रखना चाहते हैं अपना वो भी रख सकते हैं। अगर जो है यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं, अपनी जो अगर वेबसाइट है यूट्यूब चैनल है उसका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। लिखने के बाद आपने सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपने मेल या फीमेल जो भी जो है वो सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद अपनी लैंग्वेज और कंट्री, और उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है पिक फाइव मोर। यहाँ पर आपने कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, आपने जो है आपकी जो पसंद है उसके हिसाब से आपने कुछ भी जो है पांच यहाँ पर कैटेगरीज आपने इन्होंने कहा है क्या सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर मैं कोई भी पांच कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप यहाँ पर कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगे। तो यहाँ पर करने के बाद आपने डन पर क्लिक कर देना है। डन पर क्लिक करने के बाद ये थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद हमारा अकाउंट जो है बन जाएगा। अकाउंट जब हमारा ओपन हो जाएगा तो आपके सामने ऐसा ऑप्शन होगा। अब अगर आपको यहाँ पर अब जो है यहाँ पर आपका जो भी नाम होगा वहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा, आपने यहाँ पर क्लिक कर देना अपने नाम पर, और यहाँ पर अपनी आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो चुकी है, मगर हमारा अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ। आज ये जो है हमारी नॉर्मल प्रोफाइल है, जब आप पहली बार क्रिएट करेंगे तो आपकी नॉर्मल प्रोफाइल क्रिएट होगी। आपको जो है इसे बिजनेस प्रोफाइल में कन्वर्ट करना है, उसे कन्वर्ट करने के लिए आपने यहाँ पर जो है ऊपर तीन डॉट का ऑप्शन आया है दिखाई दे रहा होगा, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद जो है सेटिंग्स में चले जाना है, यहाँ पर आपको सेटिंग्स का ऑप्शन होगा, यहाँ पर सेटिंग्स में आपने चले जाना है।
सेटिंग्स में जाने के बाद आपने यहाँ पर जो है अकाउंट सेटिंग्स में ना, अकाउंट सेटिंग्स में आने के बाद आपने नीचे जब आएंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा कन्वर्ट आप बिजनेस अकाउंट। तो यहाँ पर आपने कन्वर्ट अकाउंट पर क्लिक कर देना है। कन्वर्ट अकाउंट पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ से आपका ईमेल जो होगा आ जाएगा। आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे जब आप, तो आपका जो है ये बिज़नेस अकाउंट एक बन चुका है। पहले आपका नॉर्मल अकाउंट था मगर आपका जो है बिज़नेस अकाउंट बन चुका है। आप बिज़नेस अकाउंट की यहाँ पर क्या फ़ायदा है, जैसे कि आपको गूगल एनालिटिक्स का पता है, उसमें हम जो है आपकी जो भी पोस्ट होती है उससे हम जो है हमारे एनालिटिक्स देख सकते हैं, किस कितने हमारे व्यूज़ आए हैं और हमारी पोस्ट पर किस किस कंट्री से आए हैं। तो यहाँ पर भी एनालिटिक्स का ऑप्शन आ जाएगा। आप बिज़नेस जो अकाउंट हमने अपना कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर आप ओवरव्यू पर जाकर यहाँ पर चेक कर सकते हैं कितने हमारी पेज पर व्यूज़ आए हैं और किस किस कंट्री से हैं और एज क्या है उनकी। तो आप चीज़ें आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन पर आकर। तो अब मेन बात पर आते हैं कि क्या है, यहाँ से हमने ट्रैफिक कैसे लेनी है और क्या काम करना है। तो वो बताने के लिए मैं अपने पर्सनल अकाउंट पर आ जाता हूँ। तो ये है मेरा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट पर आने के बाद जो है आपने यहाँ पर, आपको यहाँ पर जो है सबसे पहले यहाँ पर बोर्ड का ऑप्शन होगा। जब आप अकाउंट अपना ओपन करेंगे ना तो आपके सामने ये पिक वगैरह कोई भी ऊपर नहीं दिखाई दे रही होंगी। आप सिर्फ यहाँ पर अपना जो है आइकॉन चेंज कर सकते हैं लोगो। तो उसके बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले आपने जाना है बोर्ड में। बोर्ड में जाने के बाद आपको यहाँ पर जो है नीचे प्लस का एक आइकॉन नज़र आएगा। ये आइकॉन आप क्रिएट बोर्ड, यहाँ पर आपने क्रिएट बोर्ड पर क्लिक करना है। क्रिएट बोर्ड, ये बोर्ड का क्या चक्कर है, जैसे कि हमारी कैटेगरी यहाँ पर पूछ रहे हैं कि हमारी कैटेगरी क्या है। जैसे कि हम वेबसाइट पर एक कैटेगरी बना लेते हैं एंड्रॉयड गेम्स के बारे में, उसमें जो है गेम्स एंड्रॉयड गेम्स की जितनी भी पोस्ट होती हैं वो डालते हैं। तो ये भी यहाँ पर कैटेगरी का चक्कर है। आपने यहाँ पर कैटेगरी का अपनी का नाम लिखना है, उसके बाद क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो आपकी कैटेगरी क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, पिन पर आ जाना है। यहाँ पर आपने पिन पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पिन पर, पिन के अलावा आपने यहाँ पर जो है पिन क्लियर करने के लिए आपने यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और क्रिएट पिन पर क्लिक करना है। जैसे वेबसाइट पर क्रिएट पोस्ट का ऑप्शन होता है और जो फेसबुक पर भी आपने देखा होगा, तो ये पिंटरेस्ट क्या है, ये भी एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर जो है बाहर के लोग, बाहर के कंट्री के लोग यहाँ पर जो है सर्च करके आते हैं। आपने अक्सर गूगल पर कोई चीज़ सर्च की होगी तो आप पिंटरेस्ट के काफ़ी जो है वहाँ पर शो होती होंगी पोस्ट। तो हमारे भी ऐसे गूगल पर पोस्ट शो हो सकती हैं। यहाँ पर जैसे फेसबुक पे प्लेटफॉर्म है या ये भी ऐसा ही है, तो यहाँ पर भी लोगों को हमारी पोस्ट शो होंगी और वहाँ से हमारी जो है वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो सकते हैं। वेबसाइट पर कैसे रीडायरेक्ट होंगे तो ये भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आने के बाद आपने क्रिएट पिन पर क्लिक करना, आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपने ये पहले लिखा हुआ है ऐड योर टाइटल, तो आपने यहाँ पर अपना टाइटल जो भी पोस्ट का या वीडियो का टाइटल है वो आपने देना है। तो मैं यहाँ पर एक पोस्ट कोई भी ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से इसका टाइटल उठा लेता हूँ। उठाने के बाद आपने यहाँ पर टाइटल दे देना है और नीचे आपने कोई भी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, कोई अट्रैक्टिव सी या अपना आर्टिकल है तो आपकी वहाँ से भी जो है आप उठा सकते हैं कोई भी आर्टिकल का हिस्सा, या आप खुद से भी लिख सकते हैं अगर आप यूट्यूब के लिए बना रहे हैं ये। तो उसके बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है ऐड अ डेस्टिनेशन लिंक, तो ये हमारा मेन ऑप्शन है। हमने यहाँ पर लिंक देना है अपने वेबसाइट का। मैं अभी पर अपनी वेबसाइट की पोस्ट का लिंक कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो है, आपकी यूट्यूब की वीडियो है तो आप अपनी वीडियो का यहाँ पर लिंक दीजिएगा, मैं अपनी यहाँ पर वेबसाइट का दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है ड्रैग ड्रॉप अपलोड योर इमेजेस, तो यहाँ पर आपने जो है जैसे यूट्यूब पर हम थंबनेल डालते हैं तो यहाँ पर भी समझो ये पिंटरेस्ट का थंबनेल है। यहाँ पर जो है आप पिंटरेस्ट का थंबनेल जो है, अगर आपकी वेबसाइट का कोई थंबनेल बनाया हो या यूट्यूब चैनल का, तो वो भी यहाँ पर आप वही थंबनेल यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। आप जो है पिंटरेस्ट का अलग से साइज़ होता है इसकी पिन का थंबनेल का, तो आप जब आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आप यहाँ पर बना सकते हैं। या यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है कैनवा के नाम से, वहाँ पर जो है बहुत ही अच्छे आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप जो है एडिट करके यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कैनवा से ही कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या टेम्पलेट्स क्रिएट किए हुए हैं थंबनेल्स। तो यहाँ पर मैंने दो क्रिएट किए हैं अभी आपको दिखाने के लिए, बताने के लिए। तो यहाँ पर जो है आपने सिंपली वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है, जो भी आपका थंबनेल है वो तो यहाँ पर ड्रॉप कर देना है। जब यहाँ पर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, सॉरी
जब यहाँ पर डायगन ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पर थंबनेल ऐसे आपका आ जाएगा जो भी आपका होगा। उसके बाद जो है हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। हमने यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर काम है सिलेक्ट। आपको मैंने बताया था कि आपने बोर्ड के लिए क्रिएट करना है कैटेगरी, तो यहाँ से आपको ये पूछ रहा है कि आपकी कौन सी कैटेगरी है, किस कैटेगरी में आप इसे जो है पोस्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने कैटेगरी शायद पहले बनाई हुई है इंस्टाग्राम लाइव्स के बारे में, यहाँ पर आप देख सकते हैं, या इंस्टाग्राम टिक्स के बारे में। जब हम यहाँ पर ये कैटेगरी सिलेक्ट कर ले तो यहाँ पर आपने पब्लिश पर क्लिक कर देना है। पब्लिश पर क्लिक करने के बाद ये हमारी ये पिन जो है पब्लिश हो जाएगी। तो आपके सामने यहाँ पर जब आप पब्लिश पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर आप सीट नाउ पर भी क्लिक कर सकते हैं। जब यहाँ पर क्लिक करेंगे आप तो आपके सामने यहाँ पर आपकी जो पिन आ जाएगी जो भी आपने बनाई है। तो यहाँ पर अब क्या होगा, अगर किसी के सामने आपकी पिन शो होगी तो अगर वो बंदा आपके टाइटल पर क्लिक करेगा या अपनी कि यहाँ पर थंबनेल पर ही क्लिक करेगा तो आपकी जो है सीधा रिडायरेक्ट हो जाएगा आपकी वेबसाइट पर या यूट्यूब चैनल की वीडियो पर। तो यहाँ पर आपके सामने रिडायरेक्ट हो चुका है। यहाँ पर ये ऑप्शन भी आ रहा है मेरी वेबसाइट का, अगर कोई टाइटल पर भी क्लिक करेगा तो तब भी जो है हमारी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट सीधा हो जाएगा। तो यहाँ से ऐसे हम जो है ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं और बैकलिंक्स भी क्रिएट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। आप जैसे और भी मार्केटिंग के लिए भी जो है जो इसे यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि आपकी ना यूट्यूब चैनल है ना वेबसाइट है तो आप जो ऐसे अमेज़ोन की एफिलिएट मार्केटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी और प्लेटफॉर्म है एफिलिएट का तो यहाँ पर आप जो है मार्केटिंग भी कर सकते हैं, एफिलिएट प्रोडक्ट को जो है यहाँ पर प्रमोट करके जो है आप अर्निंग कर सकते हैं। तो अगर आप इस पर कम्प्लीट वीडियो चाहते हैं तो वो आप जो है कमेंट में ज़रूर बताएगा, वो भी आपको मैं कम्प्लीट वीडियो बना दूंगा इंशाल्लाह। अगर आप चाहेंगे कि कैसे आप जो है एफिलिएट मार्केटिंग एफिलिएट प्रोडक्ट को यहाँ पर जो है प्रमोट करके अर्निंग कर सकते हैं, तो ऐसे आप जो है आप यहाँ पर क्रिएट जो है कर सकते हैं अपनी पिंस क्रिएट करके और आप ट्रैफिक ले सकते हैं। अगर हम पिंस पर क्लिक करके यहाँ पर तो आपके सामने वो पिन हमारी यहाँ पर आ चुकी होगी। मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार और आपको दिखा भी देता हूँ आपने पिंस क्या कहाँ कैसे देखनी है। अपने यहाँ पर जब आप कर्सर लाएंगे आपको यहाँ पर नाम होगा, यहाँ पर क्लिक करने के बाद अपने अपने लोगों पर क्लिक करना है। लोगों पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा आ जाएगा, यहाँ पर आपने पिंस पर क्लिक करना है और एक बार अपने पेज को रिफ्रेश करना है तो आज आपके सामने यहाँ पर जो भी जो आपकी पिन आपने सेव की होगी यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर दूसरे लोगों के भी पिंस है यहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा लाने के लिए, जैसे कि मेरी इस प्रोफाइल पर 551 जो है मंथली यूनिक विजिटर्स आ रहे हैं ये जो है, मगर अब जो है यहाँ पर मैं इतना काम नहीं कर रहा तो इसलिए ये कम हो चुके हैं। अगर यहाँ पर अगर हम ट्रैफिक आप ज़्यादा लाना चाहते हैं, ये भी मैं आपको टिप देता चलूँ, अगर आप ज़्यादा ट्रैफिक लाना चाहते हैं अपनी पिंटरेस्ट पर तो आप जो है जिस कैटेगरी पर काम कर रहे हैं उस कैटेगरी के रिलेटेड आप दूसरों की पिंस को भी अपने जो है यहाँ पर सेव कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर किसी और की पिन है, अगर आप ये पिंटरेस्ट के अकाउंट आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो दूसरों की पिन आ जाएंगी। आप जो है यहाँ पर अपनी कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट करके यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे तो इस बंदे की पिन जो है आपकी आपके अकाउंट में सेव हो जाएगी। तो क्या होगा कि क्योंकि ये जो है पिन तो पहले ही यहाँ पर फ्रंट पेज पर आ रही है पिंटरेस्ट पर, मतलब क्या ये रैंक हुई बड़ी है। तो आप जो है अगर कोई बंदा सर्च करेगा इसके बारे में तो आप अगर इस पिन पर भी आता है तो उसका जो है ट्रैफिक आपके जो है अकाउंट पर जा सकती है और वह आपकी पिंस पर भी क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर जा सकता है। तो इसी तरह आप जो है पिंटरेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप अगर आप एफिलिएट जो है चीज़ें कैसे एफिलिएट प्रोडक्ट्स यहाँ पर जो है कैसे प्रमोट कर सकते हैं तो उसके बारे में अगर आप कंप्लीट वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप जो है बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाने की उस पर कोशिश करूँगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपने को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर बोरिंग लगी हो तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़रा बड़ी हो चुकी है। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और इस चैनल को हमारे पाकिस्तानी गुरु पाकिस्तानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल के आइकन को प्रेस करके आल पर क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके, और अपने कमेंट में अपना जो है फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।